एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ लक उन कैंडिडेट को जिनका कल एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमारी साइड से बेस्ट विशेस। तो हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, सब कुछ इसी वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा कि 26 को एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है। पीजीआई रोहतक ने एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली ईमेल पे सेंड कर दिया है सभी कैंडिडेट्स को, जिनको भी यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं मिला, ठीक है। एंड अदरवाइज जहाँ पर जिन कैंडिडेट को फिर भी प्रॉब्लम आ रही, वो ऑफिशियल से भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ फिर भी अगर कोई एडमिट कार्ड नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो आज सिर्फ आप लोगों के पास समय होगा। आज आप लोग जो अपना एडमिट कार्ड है, आप लोग ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आज का आप लोगों के पास ड्यूरेशन है। कल एडमिट कार्ड नहीं देने वाले हैं। जो प्रॉपर गाइडलाइंस है वो यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो है आ चुकी है। आप लोगों को कैसे क्या कुछ करना होगा, एडमिट कार्ड कैसे आप लोगों को यहाँ पर जो है ले लेना होगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड जो है मिल गया होगा, एंड जिनको नहीं मिला होगा वो इन वेज से यहाँ पर एडमिट कार्ड को जो है ले सकते हैं। बाकी जो है बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है कल यहाँ पर 26 दिसंबर को 2021 को यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है रखा गया है। हम लोग बात कर ले एमएससी नर्सिंग एंड एनपीसीसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स बता दो, एमएससी नर्सिंग एंड एनपीसीसी से रिलेटेड अभी वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ रिलीज़ नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि अभी क्या कुछ रहने वाला है आगे यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। अभी लास्ट यही लाइक इन्फॉर्मेशन है एमएससी नर्सिंग एंड एनपीसीसी से रिलेटेड कि 26 दिसंबर को एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है इन्फॉर्मेशन है, एंड उसके साथ साथ जो है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या इश्यूज़ रहेंगे। बस यही सब कुछ जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर बता रखा है। इसके अलावा एमएससी नर्सिंग एंड एनपीसीसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अभी तक कोई भी यहाँ पर नोटिस नहीं रिलीज़ हुआ है। तो आप लोगों को बता दूँ कि कब तक यहाँ पर एमएससी नर्सिंग एंड एनपीसीसी का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, तो विद इन 48 आवर्स यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देगी। उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों को चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।